नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज। दोस्तों, हरियाणा के रोहतक के सोनीपत बलियाना रोड पर एक शराब का ठेका है। वहां पर दो दिन पहले एक भयानक गैंगवॉर हुई थी, जिसमें तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी, दो लोग घायल हुए थे। इस केस में जब पोस्टमार्टम मरने वाले लोगों का हो रहा था, उससे पहले पोस्टमार्टम से पहले परिवार के लोग पूरी तरह से आक्रोशित दिखाई दिए थे और उन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर शांत किया गया था। आज उस केस में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जिन लोगों की हत्याएं हुई थी उन लोगों का पोस्टमार्टम भी कल हो गया था और अंतिम संस्कार भी कल हो गया था। इसके बाद कई बड़े खुलासे इस केस में, इस कहानी में, इस गैंगवॉर में निकल कर सामने आए हैं, जो आज के इस वीडियो में मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, खबर की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपसे बता दूँ कि जो खबर हम आप तक पहुँचाते हैं वो हमारी टीम अलग अलग रिसोर्स से इकट्ठा करती है और हम तभी जाकर आपको ये खबर पहुंचा पाते हैं। तो चलिए, बिना देर करते हुए आपको आज के इस वीडियो में रोहतक गैंगवॉर से जुड़ी हुई अपडेट बताते हैं, जो कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक हुआ। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। देखिए, परसों की ये घटना है जब सोनीपत बलियाना रोड पर उस शराब के ठेके में, जिस शराब के ठेके में ये पूरी वारदात हुई, उसका ठेका मोनू उर्फ अमित के पास था। मोनू उर्फ अमित यानी सुमित पलोटरा का बड़ा भाई, सुमित पलोटरा यानी कि गैंगस्टर, जो इस वक्त जेल में बंद है। और कहा जाता है कि सुमित पलोटरा और गैंगस्टर राहुल बाबा के बीच में जो गैंगवॉर होती थी, उन्हीं सब का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहले इस कहानी में अपडेट की बात करें तो पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद, कल दोपहर के बाद यानी शनिवार दोपहर के बाद, अमित उर्फ मोनू का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिवार के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि उनका छोटा बेटा यानी गैंगस्टर सुमित पलोटरा भी अगर अंतिम संस्कार में शामिल हो जाता, जेल से उसे परोल मिल जाती तो शायद उनके लिए अच्छा रहता। हालांकि इसके लिए वो कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी सुरक्षा कारणों की वजह से, और सुमित पलोटरा ने ऑनलाइन यानी जेल के अंदर से ही ऐसी व्यवस्था वहाँ पर कराई गई, कानून के दायरे में रहते हुए वो ऑनलाइन ही अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हो गया। तो ये तो थी अंतिम संस्कार की बातें, लेकिन और एक बात निकल कर सामने आ रही है। जो हमलावर वहाँ पर लोगों को मारने आए थे या लोगों को मार कर गए, उनके बारे में ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि हमलावरों का सिर्फ एक ही व्यक्ति टारगेट था। तीन मारे गए लेकिन टारगेट एक ही व्यक्ति था और वो था अमित उर्फ मोनू, जो सुमित पलोटरा का बड़ा भाई था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो सोनीपत रोड पर ठेके पर गैंगवॉर हुई, इन बदमाशों के टारगेट पर सिर्फ अमित मोनू था, इसीलिए उसे 1.5 से 2 फीट की दूरी से यानी कि नज़दीक जाकर गोलियाँ मारी गईं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक गोली उसके शरीर में मिली है, जबकि 6 गोलियां उसके शरीर से आर पार हो गई, यानी कि अमित उर्फ मोनू को कुल 7 गोलियां मारी गई थी। और इस वारदात में 0.32 बोर की गोली का इस्तेमाल किया गया था। और कहा तो ये जा रहा है कि जो पुलिस की टीम है, मौके से मिले गोलियों की खोल जब इकट्ठा कर रही थी, तो गोलियाँ जो खोल वहाँ पर मिले थे वो बयान कर रहे थे कि कितना बड़ा रंजिश इन लोगों ने पाल रखा था। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आने का इंतज़ार किया जा रहा है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। रिपोर्ट आएगी उसके बाद बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। अब कहा जा रहा है कि जो सुमित पलोटरा है, इस वक्त वो जेल में है और वो चाह रहा था, जैसा मैंने जिक्र किया, अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होना, लेकिन इसकी इजाज़त उसे नहीं मिली। लेकिन गैंगवॉर के बाद जो शूटर इस वक्त फरार हो चुके हैं, उन्हें पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस की टीम, हरियाणा CIA की टीम दिल्ली पुलिस की संपर्क में है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के संपर्क में है, और पुलिस की कई टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। और इस आरोपियों की तलाश में जितने भी सूत्र होते हैं पुलिस के, खबरी नेटवर्क होता है, वो एक्टिवेट कर दिया गया है। और संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी सभी शूटर पकड़ लिए जाएंगे। और इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि इस मामले में कई संदिग्ध ऐसे हैं जिनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है, और इसके साथ ही कुछ पुराने आपराधिक तत्व के लोग हैं जो इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं, उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का
कहीं ना कहीं देखा जाए पूछताछ का जो दौर है उन पर भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कोई भी जानकारी मीडिया के समक्ष रखने से परहेज कर रही है, और इसका सबसे सीधा सीधा उदाहरण यही है कि अगर ऐसा अभी होता है तो इस केस में शायद और भी दिक्कतें आ सकती हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, इसीलिए पुलिस अभी कोई भी अपडेट बताने से साफ साफ इनकार कर रही है। पूरी कहानी अगर एक बार फिर से मैं बताऊं तो 19 सितंबर की घटना है, जब हथियारबंद बदमाश सोनीपत बलियाना रोड पर उस शराब के ठेके पर पहुंचे थे और करीब 10 बज रहे थे रात के, बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे, 8 की संख्या में थे। वहाँ बोहर के रहने वाले 5 लड़के जिनमें जयदीप, विनय, अमित और 2 और लड़के थे, इनमें से जयदीप, विनय और अमित की तो मौत हो गई, उन्होंने बचने की काफ़ी कोशिश की थी। जयदीप नाम का लड़का तो उस वक्त फोल्डिंग से नीचे छिपते हुए तख्त के नीचे छिप गया था, लेकिन फिर भी बदमाशों ने उसे गोली मार दी। लेकिन इन बदमाशों का टारगेट दोस्तों सिर्फ वही था, अमित उर्फ मोनू। उसके साथ में बैठे व्यक्ति कुछ शराब के ठेके के बगल में जो दुकानें होती हैं उसमें से भी एक दुकानदार बताया जा रहा है। मतलब इस गैंगवॉर की घटना को जब लोग अब याद कर रहे हैं तो सिहर जा रहे हैं, क्योंकि जिस भयानक तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस केस में यही अपडेट था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद बदमाशों के पकड़ने का भी सिलसिला चल रहा है। बदमाश पकड़े जाएंगे, शूटर पकड़े जाएंगे, तभी इस पूरे केस में किसी एंगल तक पहुँचा जा सकता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।